बड़ी खबर आ रही है 5 लाख सिम कार्ड ब्लॉक होने को लेकर। जी हां, हरियाणा देश में चल रही साइबर ठगी का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। पिछले साल 1 जनवरी से हरियाणा पुलिस की साइबर सेल ने देश भर में साइबर धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल राज्य के लगभग 5 लाख सिम कार्डों को ब्लॉक कर दिया है। यानी कि इस तरह की धोखाधड़ी में के लोगों को कॉल किया जाता है आधार कार्ड की KYC के नाम पर, बैंक की कोई जानकारी के नाम पर, और इसी तरह के तरह तरह के बहाने लगाकर लोगों से उनकी निजी जानकारियां मांगी जाती है, OTP मांगा जाता है और इसके जरिए उनके खाते से पैसे गायब कर दिए जाते हैं। तो इसी कड़ी में अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि 5 लाख सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। बताया गया इस तरह से ठगी करने वाले बहुत सारे लोग रहते तो है हरियाणा में, लेकिन ये धोखाधड़ी पूरे देश में होती है। यानी कि हरियाणा में बैठे बैठे पूरे देश के कहीं पर भी कॉल किया जाता है और लोगों के साथ ये साइबर ठगी की जाती है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।